दोस्तों, आज हम आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 14.2 जो क्लास 9 के लिए है उसको बनाने से पहले उससे रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला है उसको जानेंगे। एक्सरसाइज 14.2 में हमें दोस्तों समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। समांतर, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, अगर जब तक हम इनके सूत्रों को, इनकी थ्योरी को नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चंस को हम नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सबसे पहले इन तीनों से रिलेटेड जो जो मेन फार्मूला है, जो इससे रिलेटेड बेसिक फार्मूला है, उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, है ना दोस्तों। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो है वो बनता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई, है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। अब अगर आधार निकालना हो तो यहाँ गुना में ऊंचाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अगला जो सूत्र बनेगा, सिर्फ एक ही सूत्र याद रखना है, लेकिन उसी से दो सूत्र का क्रिएशन हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर होगा क्षेत्रफल, और ये ऊंचाई गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अगर वही आप ऊंचाई निकालना हो तो आधार भाग में आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर होगा दोस्तों क्षेत्रफल बटा आधार। ये तीनों सूत्र समांतर चतुर्भुज के बेसिक सूत्र कहलाते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज की दोस्तों खासियत होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण बराबर नहीं होती है, और इसके जस्ट विपरीत जो वर्ग होता है, तो वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन उसका विकर्ण भी बराबर होता है। तो देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दोस्तों 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। विकर्ण को हम लोग डी से सूचित करते हैं, विकर्ण को डी से, डी का मतलब होता है डायगोनल, और डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो सम चतुर्भुज में जो होता है दो विकर्ण होता है, इसलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब अगर सम चतुर्भुज का भुजा निकालना हो तो उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू अंडर रूट d1² + d2² जहाँ पे d1 जो है पहला विकर्ण है और d2 दूसरा विकर्ण है। अब सम चतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, और परिमिति निकालने का एक दूसरा भी सूत्र होता है दोस्तों जो होता है 2 × √d1² + d2² यानी पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। अब सम चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना हो तो उसका सूत्र होता है d1 × d2 √d1² + d2², है ना दोस्तों। आगे है समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जो गुने ऊंचाई, है ना, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जो गुने ऊंचाई। अगर यही समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई निकालना हो तो उसका सूत्र होता है 2 × क्षेत्रफल बटा में समांतर भुजाओं का जो। तो ये 14.2 का दोस्तों बेसिक्स फॉर्मूला हुआ। अगले वीडियो में मैं दोस्तों 14.2 के शुरुआती क्वेश्चंस का सोल्यूशन शुरू करूंगा। आप लोग तब तक इस वीडियो के माध्यम से ये जो जो मैंने 6 लगभग 10 फॉर्मूला जो आपको बताया उसको याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चंस जब मैं समझाऊँ बताऊँ तो आपको बहुत ही कम समय में समझ में आ जाए, है ना दोस्तों। अगर पहली बार मेरे चैनल्स पे आए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो जब आपको डाला जाए तो आपका इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले।